गाजा के राफा शहर में 31 अगस्त 2024 को गोलीबारी के दौरान इजरायली सेना को एक सुरंग में 6 इजरायली बंधकों के शव मिले थे। उस वक्त आईडीएफ ने कहा था कि इन बंधकों की हत्या हमास के लड़ाकों ने की है और घटना के तुरंत बाद पूरे इजरायल में बंधकों की रिहाई को लेकर उबाल आ गया था। करीब 3 लाख से ज्यादा लोग लगातार तेल अवीव से लेकर इजरायल के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि नेतन्याहू हमास के साथ समझौता करके जल्द से जल्द बचे हुए बंधकों की रिहाई कराए। हालांकि नेतन्याहू ने इस प्रदर्शन के दौरान अपने एक बयान में इजरायल की जनता और मृतकों से माफी मांगी थी और कहा था कि हम आपकी माफी चाहते हैं, हम उन्हें बचाने के काफी करीब थे लेकिन हमास ने उन्हें मार दिया। लेकिन अब नेतन्याहू और आईडीएफ के इस दावे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी करके कहा है कि उन बंधकों की मौत इजरायली स्ट्राइक में हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात उबैदा ने ये कही कि अगर इसराइल ने सैन्य दबाव से बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की तो वो ताबूत में इसराइल लौटेंगे। अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि बंधकों की सुरक्षा में तैनात लड़ाकों को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अबू उबैदा ने आगे कहा कि नेतन्याहू ने समझौते पर पहुंचने के बजाय सैन्य दबाव के जरिए बंदियों को मुक्त करने पर जोर दिया है, जिसका मतलब है कि वो ताबूतों में अपने परिवार के पास वापस जाएंगे। उनके परिवारों को उन्हें मृत या जीवित प्राप्त करने के बीच चयन करना होगा। नेतन्याहू और सेना कैदियों की मौत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर कैदियों की अदला बदली की डील में बाधा डाली है। आपको बता दें कि नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि वो बंधकों की रिहाई की बजाय युद्ध पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसको लेकर इसराइल के पूर्व राजदूत एलोन पिंकास का कहना है कि ये नेतन्याहू ही है जिनके बंधकों को छुड़ाने या युद्ध विराम में कोई रुचि नहीं है। जो लोग इस घटना से स्तब्ध, हताश और क्रोधित हैं, उन्हें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वही है जिसके बारे में रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हम सभी चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा होगा। आपको बता दें कि नेतन्याहू के रुख पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम को लेकर नेतन्याहू कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं कतर और मिस्र की अगुवाई में हमास के साथ बातचीत भी कई बार बेनतीजा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब इसराइल में नेतन्याहू पर जनता प्रदर्शन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, हालांकि इसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास चाहता है कि इजरायली फौज गाजा में पूर्ण युद्ध रोके और गाजा छोड़कर चली जाए, जबकि नेतन्याहू चाहते हैं कि आईडीएफ फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर बनी रहे जिससे इजरायल की सुरक्षा स्थिति मजबूत रहे और इसी बात का हमास विरोध कर रहा है।